Yeterli mi? Yeterli. Aa, ya, ya da... Bu var. Sen... Sen bu Furkan Hameed'i Assalamualaikum Nazreen. Nazreen, इस वक्त अंकरा में पाकिस्तान के स्वीट जनाब मोहम्मद हारून शौकत साहब हमारे साथ हैं. आपको याद होगा कि इस हफ्ते पाकिस्तान मनाया जा रहा है. हफ्ते पाकिस्तान के बारे में जनाब मोहम्मद हारून शौकत साहब से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या तकरीबा मनकित हो रही हैं, क्या क्या सरगर्मियाँ हैं. जनाब मोहम्मद हारून साहब, ये बताइए कि हफ्ते पाकिस्तान कैसा मनाया जाए और इसमें क्या क्या प्रोग्राम मरतब कर रहे हैं. जी, ये पाकिस्तान और तुर्की की तारीख में पहली दफ़ा अंकरा में और इस्तांबुल में सफारत पाकिस्तान के सिले से एक कल्चरल हफ्ता मनाया जा रहा है. इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान तुर्की के जो बहुत करीबी रवाबत हैं उनको मज़ीद ताकत देना है. और इस हफ्ते के वसीले से तुर्क आवाम जो अंकरा और इस्तांबुल से बाहर रहते हैं उन तक हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं उनको पहुँचाना है. और इस सारे अमल के पीछे हमारी एक ख्वाहिश है कि हमारे तजारती और हमारे कल्चरल रवाबत मजबूत हों. तो हम इस हफ्ते का आगाज़ 3 दिन पहले कर चुके हैं. हमने पिछले 65 साल की तारीख की पाकिस्तान की रिलेशंस की तस्वीर इकट्ठी की और उनकी हमने एक नुमाइश की जो दफ्तर खारजा में की गई. हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ज़ाती तौर पे उस नुमाइश को का इनॉग्रेशन किया और उसमें उन्होंने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रेमिसेस में उसको एग्जीबिशन को इनका किया. अब अंकरा में एक फूड वीक मनाया जा रहा है. पाकिस्तान से ख़ास तौर पर बावर्ची हजार तशरीफ लाए हैं. एक बड़ी ख़ास कल्चरल इवनिंग की जाएगी 28 तारीख को जिसमें फरीद अयाज कवाल ग्रुप मौलाना रूमी और इकबाल की शायरी पे मबनी कवाली सुनाएंगे और उसके बाद एक बहुत प्रोफेशनल फैशन शो होगा. पाकिस्तान की ख़वातीन के ड्रेसेस तुर्की में बहुत मकबूल हैं क्योंकि ये मुल्क एशिया और यूरोप में एक ब्रिज की हैसियत रखता है. लेकिन डीप डाउन तुर्क लोग ओरिएंटल सोच रखते हैं और वो पाकिस्तान के लिबास से बहुत मुतासर होते हैं. उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की ट्रक आर्ट की नुमाइश हम एक बहुत बड़े शॉपिंग प्लाजा में कर रहे हैं जहाँ पे एक हफ्ता प्रोफेशनल ट्रक आर्टिस्ट एक छोटी गाड़ियों को पेंट करेंगे और वहाँ पे बड़ी एक पेंटिंग बनाई जा रही है जो 10-12 फुट से बड़ी है जिसे छोटे बच्चे बना रहे हैं जो पाकिस्तान तक की फ्रेंडशिप को दिखा रही है. इसके साथ साथ ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पर कुछ महफिलें ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं. इस्तांबुल में 3 तारीख को यही फंक्शन रिपीट किया जाएगा. ये हमारे लिए अकेले मुमकिन नहीं था. इसमें तुर्की हुकूमत ने हर मामले में हमारा भरपूर साथ दिया है और पाकिस्तान और तुर्की का प्राइवेट सेक्टर जो है उनने बहुत सी एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया है और ये बहुत बड़े स्केल पे मिसाल के तौर पे अंकरा में 35 से 40 बड़े बिलबोर्ड्स पे पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप के पोस्टर्स हैं. इसके अलावा तकरीबन 500 छोटे पोस्टर्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं जो 2 हफ्ता जारी रहेंगे. तो ये एक भरपूर पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइश है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तुर्की पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट मुल्क है और हम चाहते हैं कि ये रवाबत हर डोमेन में तेज़ी से आगे बढ़े बतौर ख़ास कल्चर में और बतौर ख़ास तजारती शोबे में.